हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं पैल्पिटेशंस यानी धबकारे की अनियमितता के बारे में। कई पेशेंट्स को थोड़ा बहुत हार्ट का साउंड या मिस बीट जैसा सेंसेशन होता है, जिसे पैल्पिटेशंस बोलते हैं, यानी उन्हें महसूस होने लगता है कि उनका हार्ट रेट बढ़ गया है। नॉर्मली हार्ट तो सबका धड़कता है और मिनट में 60 से 100 बार धड़कता है, लेकिन कई बार जो नॉर्मल अपना हार्ट धड़कता है वो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये हार्ट जब धड़क रहा है उसका सेंसेशन हमें पता चलने लगता है और हमें महसूस होने लगता है कि हमारा हार्ट कुछ जोर से धड़क रहा है या कुछ ज्यादा फोर्सिबली धड़क रहा है, तो इसे हम फील करने लगते हैं। ये अबनॉर्मल सेंसेशन कई बार खराब पेशेंट को फील देता है, पेशेंट को अबनॉर्मल लगता है, अच्छा नहीं लगता इसे जब भी वो महसूस करता है, तो अनकंफर्टेबल जो ये पेशेंट को सेंसेशन होता है, जिसे हम टेक्निकल भाषा में पैल्पिटेशंस कहते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने ऑलरेडी इस बारे में एक डिटेल वीडियो किया है जिसमें हम ऑलरेडी इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि पैल्पिटेशंस कितने टाइप का होता है, धबकारे का प्रॉब्लम किस किस तरह का होता है, उसका बेसिक मैनेजमेंट मेडिकल टर्म्स में क्या होता है। आज हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं कि किस चीजों का हम ध्यान रखें तो हम इन पैल्पिटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और उनके आने को ही रोक सकते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली ये चीज समझने की जरूरत है कि पैल्पिटेशन दो तरीके का होता है, एक नॉर्मल रिदम जो बढ़ जाए जिसको हम साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। नॉर्मल जो हमारा हार्ट का करंट है वो साइनस नोड यानी हार्ट की ग्रंथि से बनता है और जिससे पूरा हार्ट धड़कता है। नॉर्मली हार्ट की गति अपनी 60 से 100 बार के अराउंड रहती है एक मिनट में। अगर ये साइनस नोड ज्यादा बार एक्टिवेट हो जाए या एक मिनट में ज्यादा बार करंट देने लगे हार्ट को, तो हृदय की गति बढ़ जाती है। ऐसा नॉर्मल होता है जब भी हम कोई एक्सर्शन वाला काम करते हैं, हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। आपने काफी बार देखा होगा कि जब हमें बहुत ज्यादा घबराहट होने लगती है या मन घबराता है तो सडनली हृदय गति 100-150 के आसपास पहुंच जाती है, या जब हम कोई मेहनत का काम करते हैं, सीढ़ी चढ़ते हैं या दौड़ते भागते हैं, तो भी हृदय गति बढ़ जाती है। ये नॉर्मल गति 100 से 150 के बीच में ही ज्यादातर रहती है, कभी इसमें गति 200-250 के आसपास नहीं पहुंचती है, और नॉर्मली ये कुछ देर के बाद अपने आप ही शांत हो जाता है, ये कुछ देर के बाद अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं या बहुत ज्यादा बॉडी में कोई मेहनत का काम करते हैं, तो बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन यानी कैटेकोलेमिन्स बनते हैं और ये कैटेकोलेमिन्स हार्ट के साइनस नोड को स्टिमुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हृदय की गति सडनली बढ़ जाती है। इस तरह के गति बढ़ने के फिनोमेना को साइनस टैकीकार्डिया बोलते हैं। इसके अलावा जो अबनॉर्मल रिदम वाली प्रॉब्लम है यानी एरिथमिया जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हार्ट का रिदम गड़बड़ हो जाता है, वो एक थोड़ा सा डेंजरस फॉर्म ऑफ पैल्पिटेशन है, जिसमें पेशेंट को जान का खतरा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हार्ट जो है साइनस नोड से करंट नहीं आता है हार्ट में और किसी दूसरी जगह में शॉर्ट सर्किटिंग चालू हो जाती है, इसलिए सडनली गति बढ़ जाती है और हार्ट की गति अनकंट्रोल वे में बढ़ जाती है, जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है उससे कहीं ज्यादा या कहीं कम स्पीड से हार्ट धड़कने लगता है और उसमें बॉडी को जितना ब्लड सप्लाई चाहिए वो कई बार कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है, इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। ये अरिथमियाज जो है दो तरह के हो सकते हैं, एट्रल अरिथमियाज और वेंट्रिकल अरिथमियाज, यानी हार्ट के ऊपर के चेंबर से जो अरिथमिया जनरेट होते हैं उसको एट्रल अरिथमियाज बोलते हैं और जो हार्ट के नीचे के चेंबर से जनरेट होते हैं उसे वेंट्रिकल अरिथमियाज बोलते हैं। ज्यादातर ऐसा माना जाता है कि वेंट्रिकल अरिथमियाज ज्यादा डेंजरस होते हैं, एट्रल अरिथमियाज थोड़े कम डेंजरस होते हैं। अब हम बात करेंगे पैल्पिटेशंस के क्या कारण हैं और इनके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सबसे पहले पैल्पिटेशंस जो जब भी होते हैं तो व्यक्ति को हार्ट की गति थोड़ी ज्यादा महसूस होती है, दिल ज्यादा जोर से धड़क रहा है ऐसा महसूस होता है। एक मिस्ड बीट्स करके फिनोमेना होता है जिसमें हार्ट का एक बीट मिस हो गया या एक स्किप हो गया ऐसा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब मिस्ड बीट आता है तो हृदय को हार्ट को भरने के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, हार्ट पे एक पॉज क्रिएट हो जाता है जिसमें हार्ट का वॉल्यूम सडनली बढ़ जाता है और ये पॉज वाले फेज के बाद हार्ट जब ज्यादा जोर से धड़कता है या ज्यादा फोर्सिबली धड़कता है तो ज्यादा ब्लड को पुश करता है, जो कि व्यक्ति को महसूस होता है कि हार्ट में कुछ एबनॉर्मल हुआ। ये पैल्पिटेशन सबसे या मिस बीट्स वाला फिनोमिना में सबसे कॉमनली व्यक्ति को अपनी हार्ट की गति महसूस होगी और उसे कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि छाती के ऊपर से हार्ट हिलता हुआ दिखाई भी दे या एटलीस्ट हार्ट आपको ऐसा महसूस हो कि ज्यादा जोर से धड़क रहा है। ज्यादातर ये दुबले पतले लोगों में या जिनकी बॉडी में मास कम है उस तरह के लोगों में ज्यादा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हार्ट के बीच में और स्किन के बीच में गैप बहुत या मसल टिश्यू बहुत ज्यादा कम रहता है, तो वैसे लोग को ये ज्यादा महसूस होता है। मोटे लोगों को या जिनका बॉडी वेट ज्यादा है उस तरह के लोगों में इसको पैल्पिटेशन होने का सेंसेशन थोड़ा कम रहता है। ज्यादातर पैल्पिटेशन जब भी व्यक्ति को होता है तो उनके मन में एक तरह का डर बैठ जाता है कि मेरे हृदय में क्या हो रहा है, और कभी कभार ये पेनफुल होता है तो व्यक्ति को जान जाने का या सडन हार्ट बंद तो नहीं हो जाएगा वैसे घबराहट होती है, तो इस वजह से पैल्पिटेशंस को लेकर लोग ज्यादा चिंतित हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कई बार अननेसेसरी लाइफ टाइम उन्हें मेडिसिन भी लेना पड़ता है, क्योंकि ये पैल्पिटेशंस जब भी व्यक्ति को होता है तो एक डर मन में क्रिएट हो जाता है कि हार्ट के साथ कुछ अबनॉर्मल हो रहा है
और जान जाने का रिस्क भी पेशेंट को महसूस होता है। हाँ, कुछ फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया है या कुछ धबकारे के अनियमितता है जिसमें एक्चुअल में जान जाने का रिस्क भी होता है, उस तरह के फॉर्म्स में जब भी किसी को पैल्पिटेशंस हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए दवाओं की जरूरत भी पड़ती है और कई बार लाइफ टाइम थेरेपी की जरूरत भी पड़ती है, कई एडवांस टेक्निक्स या ऑपरेशंस की जरूरत भी पेशेंट को पड़ती है। जो सिंपल फॉर्म ऑफ पैल्पिटेशंस है यानी कि जो साइनस टैकीकार्डिया वगैरह है, उसके लिए ज्यादातर कभी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही मैनेज किया जा सकता है। पैल्पिटेशन यानी धबकारे का ये प्रॉब्लम अगर ज्यादा टाइम तक चलता रहे, यानी शॉर्ट सर्किटिंग अनकंट्रोल वे में अगर बहुत ज्यादा देर तक चलती रहे, तो कई बार हार्ट के लिए डेंजरस भी हो सकता है। बहुत ज्यादा स्पीड में अगर पैल्पिटेशन चलता है यानी हृदय गति अगर 200-250 से आसपास बढ़ जाती है, तो उस समय हार्ट को भरने के लिए अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिलता, हार्ट का जो पर बीट जितना ब्लड वो फोर्सली भी पुश करता है वो काफी कम हो जाता है, और इसकी वजह से कई बार ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो आदमी कई बार व्यक्ति को चक्कर भी आ सकते हैं, वो बेहोश भी हो सकता है। कई बार हार्ट को भरने के लिए प्रॉपर टाइम नहीं मिलता तो हार्ट का खुद का ही ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो व्यक्ति को तेज सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है क्योंकि हार्ट का ब्लड सप्लाई का रिक्वायरमेंट कम हो जाता है। ये इसको सेकेंडरी एंजाइना यानी किसी कारण की वजह से हृदय का दर्द उत्पन्न हो रहा है वो कहते हैं। अब हम बात करेंगे किस तरह से हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे हम पैल्पिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि एंग्जाइटी को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि पैल्पिटेशन ज्यादातर एंग्जाइटी के कारण से या घबराहट की वजह से भी ही होता है। ज्यादातर व्यक्ति बहुत ज्यादा जब घबरा जाता है तो उसकी हृदय गति बढ़ जाती है और उसको ये महसूस होने लगता है कि पैल्पिटेशन हो रहे हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि अपनी चिंता या अपने वरी को कम करिए। ज्यादातर पैल्पिटेशन डेंजरस नहीं होते, इसलिए इसके पैल्पिटेशन अगर हो रहा है तो उसके लिए भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा आपको डाउट लग रहा है तो एक बार अपने कार्डियोलॉजी से आपके फिजिशियन डॉक्टर को आप इसको दिखा सकते हैं, पर इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर ये डेंजरस नहीं होते। तो अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल करिए और पैल्पिटेशन के बारे में भी जो एंग्जाइटी है उसको भी आपको कंट्रोल करना है। ज्यादातर ये एंग्जाइटी की वजह से पैल्पिटेशन और ज्यादा बढ़ जाते हैं और पेशेंट के लिए और ज्यादा दवाएं लेने की जरूरत पड़ती है। इसके लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने लाइफ का स्ट्रेस को कम करें, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस दोनों कम करें, और वर्क के टाइम जो आप स्ट्रेस कर रहे हो उसको भी आप कंट्रोल करें। कभी भी अगर वर्क के दौरान आपको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा है तो आप थोड़ा हॉलीडेज वगैरह ले सकते हैं, जिससे कि कुछ टाइम मन को रिलैक्स करने का टाइम मिल जाता है और मेंटल स्ट्रेस जो वर्क के दौरान आप महसूस करते हैं वो कम हो जाता है। इसके अलावा आप इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी कर सकते हैं, जैसे योगा मेडिटेशन वगैरह, ये आपके मन को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है, आपका मन को थोड़ा शांत करता है, तो इसकी वजह से आपका पैल्पिटेशन या एंग्जाइटी लेवल्स थोड़ा कम हो जाते हैं और आपके प्रॉब्लम्स या हार्ट बीट जो आपको वेरिएशन बार बार हो रहे हैं उसको कंट्रोल करने में थोड़ी मदद मिलती है। अगर आपको ज्यादा बार पैल्पिटेशन हो रहे हैं तो अपने कार्डियोलॉजी से एटलीस्ट एक ECG और एक इको टेस्ट जरूर करवाना जरूरी है, क्योंकि इको टेस्ट करने से हमें एटलीस्ट ये पता चलता है कि पैल्पिटेशन कौन से टाइप के हैं और आपका हार्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मल है या नहीं। अगर हार्ट में कोई स्ट्रक्चर का विकार है या हार्ट का कोई वाल्व खराब है या हार्ट में कोई वाल्व का इन्फेक्शन वगैरह है या हार्ट में जन्म से कोई छेद है, हार्ट डायलेट हो गए, अगर इन सब कारणों से पैल्पिटेशन हो रहे हैं तो वो डेंजरस है और उसके लिए हमें ज्यादातर केस में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। अगर आपका हार्ट स्ट्रक्चरली नॉर्मल है यानी उसमें कोई विकृति या अबनॉर्मलिटी नहीं है तो ज्यादातर केस में पैल्पिटेशन उतना डेंजरस नहीं होता और उसे बिना दवाओं के भी मैनेज काफी केसेस में किया जा सकता है। अगर आपको अल्कोहल वगैरह लेने की आदत है तो आपको उसको कट डाउन करने की आदत है। अल्कोहल में सल्फाइड या इस तरह के टॉक्सिन प्रोडक्ट्स होते हैं जो हार्ट की गति को बढ़ा सकते हैं। एक बिंज ड्रिंकिंग करके भी होता है जिसमें व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा सडनली अगर अल्कोहल पी लेता है तो सडनली हार्ट एट्रियल फिब्रिलेशन में यानी वाइब्रेशन मोड में एक तरह से चला जाता है और गति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ये थोड़ी देर के लिए होता है लेकिन हृदय गति इस दौरान बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और कभी कभी इसके चक्कर में व्यक्ति को लकवे वगैरह का अटैक भी आ सकता है, क्योंकि ये हार्ट जब वाइब्रेट करने लगता है तो हार्ट में क्लॉट्स बनना बढ़ जाते हैं और हार्ट का एक क्लॉट कभी कभी हार्ट से निकल के ब्रेन में अगर चला जाए तो लकवा भी कर सकता है। इसके अलावा आपको कैफीनेटेड ड्रिंक्स यानी चाय कॉफी जैसे प्रोडक्ट्स को थोड़ा कम करना चाहिए, सोडा कंटेनिंग प्रोडक्ट्स को भी थोड़ा कम करना चाहिए। एनर्जी ड्रिंक्स जो लोग लेते हैं जैसे कि रेडबुल या इस तरह की जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है जो लोग अपने स्टैमिना को बढ़ाने के लिए लेते हैं, उसमें भी बॉडी स्टिमुलेंट प्रोडक्ट्स लेते हैं जो ब्रेन को और हार्ट को स्टिमुलेट करते हैं, इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी कम करना चाहिए, इससे भी पैल्पिटेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। स्मोकिंग को बंद करना चाहिए, अगर व्यक्ति को स्मोकिंग करने की आदत है तो स्मोकिंग में टॉक्सिक और इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि व्यक्ति को पैल्पिटेशन की इंसिडेंस को बढ़ा सकते हैं, हार्ट को ज्यादा इरिटेबल कर देते हैं तो पैल्पिटेशन का इंसिडेंस बढ़ सकता है। ऐसे केस में स्मोकिंग करने से पैल्पिटेशन का चांसेस पेशेंट बढ़ सकता है, कम करने से पैल्पिटेशन कम हो सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, बॉडी का वेगल टोन बढ़ाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनका हार्ट रेट नॉर्मल से कम होता है,
नॉर्मल व्यक्ति का 60 से 100 बार हृदय दिन में एक बार धड़कता है, एक मिनट में एक बार धड़कता है। जिनका वेगल टोन ज्यादा होता है उसका हृदय गति 40 से 50 बार भी अगर धड़के तो नॉर्मल है, क्योंकि ऐसे लोगों में हार्ट कैपेसिटी या पंपिंग कैपेसिटी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो कम बार बीट करके भी अपना काम चला सकता है, आपकी बीटिंग रिक्वायरमेंट एक तरह से कम हो जाती है। तो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी की वेगल टोन बढ़ जाती है और इससे पैल्पिटेशन कम हो जाता है। ऐसा करने के लिए आपको स्टैमिना बिल्डिंग एक्सरसाइजेस पे ज्यादा फोकस करना है, आपको रेगुलर ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिसमें आपकी सांस फूले, आपका स्टैमिना बढ़े। एरोबिक एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको बार बार अगर सांस फूलती है तो वेगल टोन बढ़ेगा और आपकी हृदय गति कम हो जाएगी, ये पैल्पिटेशंस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अच्छी नींद लें, इससे बॉडी का एंग्जाइटी लेवल्स कम होता है, बॉडी का इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट कम होता है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि दिन में 10 से 12 घंटे आपको सोना है, पर अगर आप 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद अगर लेते हैं या पीसफुल स्लीप अगर आप लेते हैं तो पैल्पिटेशन का चांसेस कम हो जाता है। जो लोग की नींद प्रॉपर नहीं होती है उनको पैल्पिटेशन होने का चांसेस काफी बढ़ जाता है। हेल्थी फूड्स लेना है, प्रोसेस्ड फूड कंपेरेटिवली आपको कम लेना है, टिन फूड या कैन फूड आपको कंपेरेटिवली कम करना है। आप हेल्थी फूड अगर लेते हैं तो पैल्पिटेशन वगैरह होने का चांस कंपेरेटिवली थोड़ा कम रहता है। एक बार में थोड़ा खाना खाएं, कम क्वांटिटीज में खाना खाएं। अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में खाना एक बार में खाते हैं तो स्टमक पर एक स्ट्रेच क्रिएट होता है जिसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस बन सकता है और पैल्पिटेशन का चांसेस बढ़ सकता है। अगर किसी को गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है यानी एसिड रिफ्लक्स वगैरह का प्रॉब्लम है तो वह एंटासिड लेके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होने से भी पैल्पिटेशन बढ़ सकते हैं और व्यक्ति को धबकारे की अनियमितता हो सकती है। इसके अलावा किसी को अगर खून की कमी की प्रॉब्लम जिसको अनीमिया बोलते हैं, थायराइड का प्रॉब्लम है जिसमें थायराइड कम या ज्यादा दोनों हो, या किसी को मैग्नीशियम का प्रॉब्लम है जो कि ज्यादा प्रोसेस फूड अगर लोग लेते हैं तो उसकी वजह से भी पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम हो सकता है। इन सब चीजों को करेक्ट करने से अगर आप उनकी अप्रोप्रिएट मेडिसिन लेते हैं तो भी या मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स वगैरह भी लेते हैं तो भी पैल्पिटेशंस को कंट्रोल रख सकते हैं। लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप है कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, बहुत ज्यादा स्टार्व्ड या बहुत ज्यादा भूखे भी नहीं रहना है, बहुत ज्यादा बॉडी को डिहाइड्रेटेड भी नहीं रखना है। ये सब चीजों से पैल्पिटेशंस को भी कंट्रोल किया जा सकता है, उनके इंसिडेंस को कम किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे जब पैल्पिटेशंस होता है तब क्या करना चाहिए। सबसे पहले एक वाल्सालवा मैनूवर होता है जिसमें हम नाक को बंद करके गहरी गहरी सांस लेते हैं जिससे बॉडी के या मुंह के अंदर जो है एयर प्रेशर एक तरह से बढ़ जाता है और अंदर की जो कोशिकाएं वो एक तरह से थोड़ी खुल जाती है। इसको वाल्सालवा मैनूवर बोलते हैं, इससे बॉडी का वेगल टोन बढ़ता है और कई बार अगर धबकारे की अनियमितता अरिथमियाज भी अगर हो रहे हैं तो भी इससे कंट्रोल करने में मदद मिलता है। जो लेस डेंजरस फॉर्म्स ऑफ अरिथमिया है जिनको सुप्राविकुलर टैकीकार्डिया बोलते हैं वो कई बार इसे पूरी तरह नॉर्मल भी किए जा सकते हैं। तो इसको वाल्सालवा मैनूवर बोलते हैं जो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसे फॉलो करने से पैल्पिटेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जब भी आपको पैल्पिटेशन हो तो आप गहरी गहरी सांसें लेना चाहिए, गहरी सांस लेने से भी वही एक तरह से वाल्सालवा जैसा इफेक्ट क्रिएट होता है और पैल्पिटेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। अगर आपको ज्यादा पैल्पिटेशन हो रहे हैं, हृदय गति बहुत ज्यादा है तो उस समय थोड़ी देर के लिए लेट जाना जरूरी है। अगर हम लेट जाते हैं तो उस समय ब्रेन का ब्लड रिक्वायरमेंट ग्रेविटी की वजह से भी ब्रेन में ब्लड थोड़ा जाना चालू हो जाता है और हार्ट की रिक्वायरमेंट कंपेरेटिवली थोड़ी कम हो जाती है, बॉडी का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो जाता है, तो चक्कर खा के बेहोश होने के चांसेस कंपेरेटिवली कम हो जाते हैं और कुछ हद तक पैल्पिटेशंस को भी कंट्रोल करने में मदद मिलती है। ऐसे समय में अगर आप चलना फिरना करेंगे या घूमना इधर उधर जाएंगे या स्ट्रेस की वजह से आप कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आपका पैल्पिटेशन और ज्यादा बढ़ेगा और आपको चक्कर खा के आप बेहोश भी हो सकते हैं जिसमें किसी सीरियस या सिग्निफिकेंट इंजरी भी हो सकती है। इस समय आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, अपने माइंड को अपने बॉडी को स्ट्रेस करने डी स्ट्रेस करने की कोशिश कीजिए। उस समय आप शांत रहकर एक जगह पे लेट जाए और थोड़ा मेडिटेट वगैरह करने की कोशिश करें तो भी यूजफुल हो सकता है। कभी कभी किसी किसी केस में बहुत ज्यादा जोर से या विग्रेसली खांसी करने से भी थोड़ा फायदा हो सकता है। गहरी खांसी करने से जो एओर्टा यानी हार्ट की मेन नली है उसका एओर्टिक प्रेशर बढ़ जाता है और कभी कभी अगर डेंजरस अरिथमियाज अगर व्यक्ति को हो रहे हो तो उसको रिवर्ट करने में भी थोड़ी मदद मिल सकती है। ऐसा हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स में भी कई बार कहा जाता है क्योंकि इससे हार्ट का परफ्यूजन प्रेशर भी बढ़ता है, तो माइनर अटैक्स में धबकारे के अनियमितता कभी कभी कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। एक टेक्निक होती है जिसको कैरोटिड साइनस मसाज बोलते हैं, गले में कैरोटिड बॉडी होती है उसको अगर हम हल्के हाथ से अगर मसाज करते हैं तो भी कई बार अरिथमियाज को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। एक्चुअली ये कैरोटिड साइनस को हम जब मसाज करते हैं हल्के हाथ से तो एक वेगल टोन बॉडी का बढ़ता है और स्ट्रेस हॉर्मोन्स बॉडी के कुछ कम हो जाते हैं जिसकी वजह से अरिथमियाज को टर्मिनेट करने में या खत्म करने में मदद मिलती है। पर ये कैरोटिड साइनस नॉर्मल आदमी के लिए मसाज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसको प्रॉपर्ली लोकेट करना भी मुश्किल होता है और प्रॉपरली इसको मसाज करना भी थोड़ा मुश्किल ही होता है। तो इसलिए ये टेक्निक को हॉस्पिटल में ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ज्यादा अच्छा है।
कई बार बहुत ज्यादा विग्रेसली अगर हम मसाज करते हैं और गले की नली में अगर कोई प्लाक हो या कोलेस्ट्रॉल का थक्का हो तो एम्बोलाइज होकर ब्रेन में भी जा सकता है। इसलिए बहुत ज्यादा जोर से या बहुत विग्रेसली मसाज नहीं करना है, नहीं तो इसमें उल्टा फायदा होने के बदले नुकसान भी हो सकता है व्यक्ति को। अगर आपको बहुत ज्यादा देर तक पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। ऐसे केस में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाके उस समय जो पैल्पिटेशंस हो रहे हैं उस टाइम का ईसीजी रिकॉर्डिंग करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये पैल्पिटेशन होने के आधे घंटे बाद अगर हॉस्पिटल में जाके ईसीजी रिकॉर्ड करते हैं, जब ईसीजी नॉर्मल हो जाता है तो हमें किसी कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि आपके कौन से टाइप का पैल्पिटेशन है, कौन से टाइप का अरिथमिया है, उसको किस तरह की दवाइयों से कंट्रोल करना है वो बिल्कुल पता नहीं चल पाएगा, तो जिसे मैनेज करने में हमें तकलीफ होगी। तो ऐसे केस में अगर आपको पैल्पिटेशंस हो रहे हैं तो आप उसको तुरंत जाके हॉस्पिटल में एक ईसीजी कराइए, और अगर पैल्पिटेशन घर पर कंट्रोल नहीं हो रहे तो डेफिनेटली हॉस्पिटल में जाके आपको उसके लिए थेरेपी दिया जाएगा, जिसमें कुछ इंजेक्शन आते हैं जिससे पैल्पिटेशन को टर्मिनेट किया जा सकता है। इसमें बीटा ब्लॉकर, डेल्टाएजेम और एडिनोसिन, ये तीन तरह के ज्यादातर इंजेक्शन यूज किए जाते हैं जो हार्ट की गति को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, पर ये इंजेक्शन थोड़े टॉक्सिक होते हैं तो इसको क्लिनिक सेटिंग्स या घर के उस पर नहीं दिया जा सकता, हॉस्पिटल में प्रॉपर मॉनिटरिंग के साथ ही दिया जा सकता है, क्योंकि इससे सडनली हृदय गति बहुत ज्यादा कम हो जाए उसका भी थोड़ा चांस रहता है। अगर किसी को कार्डिक अरेस्ट हो जाए यानी पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाए, घर पर बेहोश हो जाए, तो वैसे केस में आपको कार्डिक मसाज चालू करना चाहिए। कार्डियोपल्मोनरी रिसस्किटेशन यानी सीपीआर के लिए एक अलग से हम वीडियो कर रहे हैं जिसमें आप उसकी टेक्निक को और उसमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है वो समझ सकते हैं। पर अगर किसी को पैल्पिटेशन होने के दौरान वो बेहोश हो जाए तो घर पर आपको सीपीआर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे केस में अगर हार्ट बंद हो गया है और आपने ये सीपीआर नहीं किया तो व्यक्ति 2 से 5 मिनट के अंदर ही उसकी जान जा सकती है। अगर हम सीपीआर करते हैं तो थोड़ी देर के लिए हम हार्ट का काम एक तरह से टेक ओवर कर लेते हैं ताकि ब्रेन को थोड़ा ब्लड सप्लाई मिलता रहे और ब्रेन में परमानेंट डैमेज ना हो। तो इस तरह के पेशेंट्स में भी सीपीआर का रोल बहुत ज्यादा है, और इसे हमें समझने की, उसकी टेक्निक को प्रॉपरली करने का और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। फॉरेन कंट्रीज में इस तरह की चीजों को बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाता है, और स्कूल्स में और वर्कशॉप्स में लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। इंडिया में ज्यादातर इस तरह की चीजें मेडिकल पर्सनल को तो जरूर सिखाई जाती है, लेकिन कॉमन व्यक्ति को इस बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं होती है। और ज्यादातर होता यह है कि जब भी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट बंद होता है तो उस समय कोई मेडिकल पर्सनल अवेलेबल होता नहीं है, घर पे रिलेटिव्स ही होते हैं, और किसी को सीपीआर के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और जब तक एम्बुलेंस घर पर पहुंचती है तब तक 10 से 15 मिनट आराम से हो जाते हैं और ज्यादातर लोग इस दौरान नहीं बचते हैं। आप ये चीज मान के चलिए अगर पेशेंट को वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन यानी सबसे डेंजरस फॉर्म ऑफ अरिथमिया अगर हो रहा है तो 5 से 10 मिनट के अंदर अगर पेशेंट को आपने शॉक नहीं दिया और कार्डियक मसाज नहीं किया तो उसके बाद उसको कोई नहीं बचा सकता, वो उसके बचने के चांस 5% से भी कम हो जाते हैं। तो 5 से 10 मिनट के अंदर अगर आपने सीपीआर चालू किया और अगर डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है तो आपने पेशेंट को शॉक किया तो इस रिदम के डिस्टर्बेंस को पूरी तरह नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ये शॉक वाला जो थेरेपी है वो ऐसे देखने में तो थोड़ा डेंजरस लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं होता, और ज्यादातर इसमें कोई लॉन्ग टर्म पेशेंट को प्रॉब्लम या पेन ज्यादा नहीं होता, और ये ऑलमोस्ट 80-90% केसेस में अरिथमियाज को नॉर्मलाइज कर सकता है। कुछ स्पेसिफिक टाइप के अरिथमियाज होते हैं जो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, पर अदरवाइज ज्यादातर ये केस में रिस्पॉन्ड करता है। कई लोग हमें पूछते हैं कि जब पैल्पिटेशन हो रहे हैं तो उस समय कोई दवाई आती है क्या, क्या हम वो दवाई लेके इसको रिवर्ट कर सकते हैं क्या। ज्यादातर पैल्पिटेशन को कंट्रोल करने के लिए जो मेडिसिन आती है उसको अगर हम टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो उनको असर करने में 1 से 2 घंटा अगर एटलीस्ट लगता है, तो ज्यादातर अगर हम टैबलेट उसी टाइम पे अगर ले रहे हैं तो पैल्पिटेशन को कंट्रोल करने में मदद नहीं मिल पाएगी और उसका असर होते होते काफी टाइम लग जाएगा, क्योंकि वो दवा पेट में जाती है, अब्जॉर्ब होती है, फिर धीरे धीरे करके ब्लड में उसका इफेक्ट आता है, हार्ट तक वो इफेक्ट पहुंचने में कम से कम 1-2 घंटा लग जाता है। तो इस तरह के मेडिसिन को अगर हम उस टाइम पे अगर लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, उस टाइम पे तो सिर्फ इंजेक्शन थेरेपी ही सही थोड़ा बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि इंजेक्शन का असर बहुत जल्दी चालू हो जाता है। टैबलेट्स खासकर तो एंटी एंग्जाइटी मेडिकेशन पेशेंट को दिया जा सकता है, उससे अगर घबराहट से रिलेटेड अगर किसी को पैल्पिटेशन हो रहा है तो वो जल्दी असर करती है, क्योंकि वो मुंह में घुलने वाली दवाइयां होती हैं तो जल्दी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाती है और जल्दी असर करती है। अदरवाइज उस टाइम पे अगर आप कंट्रोल करने के लिए दवाइयां लेते हैं जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स है या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, इस तरह के मेडिसिन या एंटी एरिथमिक मेडिकेशन भी अगर उस टाइम पे लेते हैं तो कोई फायदा ज्यादा नहीं होगा। अगर आपको दवाओं से इसको कंट्रोल करना है तो आपको डे टू डे बेसिस पे कंटिन्यूअसली उस दवा को लेना पड़ेगा। आप अगर डेली बेसिस पे वो दवा को लोगे तो लगभग 70-80% केसेस में पैल्पिटेशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। जिन लोगों को भी डेंजरस फॉर्म ऑफ पैल्पिटेशंस होते हैं उनको ज्यादातर मेडिसिंस कंटिन्यू लेना पड़ता है। अगर किसी को पैल्पिटेशंस ना कंट्रोल हो रहे हो या बार बार पैल्पिटेशंस हो रहे हो तो वैसे केस में एक ईपी स्टडी किया जा सकता है जिसको इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी स्टडी यानी हार्ट के करंट का टेस्ट बोलते हैं। ये टेस्ट के बारे में हम अलग से ऑलरेडी पैल्पिटेशंस वाले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप चाहे तो वो वीडियो को एक बार देख सकते हैं। ये टेस्ट को अगर आप करवाते हैं तो पैल्पिटेशंस जो कारण से हो रहे हैं, जिस जगह से पैल्पिटेशन ओरिजिनेट हो रहे हैं या वो करंट का प्रॉब्लम जहां से ओरिजिनेट हो रहा है उसको हम मैप कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं,
और वो एरिया को हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से उस एरिया को जलाया जा सकता है। ये प्रोसीजर काफी सेफ है, इसमें कोई सिग्निफिकेंट रिस्क भी नहीं होता। और ये दो तरह का होता है, एक 2D मैपिंग और एक 3D मैपिंग। 2D मैपिंग में जो सिंपल फॉर्म ऑफ अरिथमियाज है या सिंपल टेक्निक है, सिंपल धबकारे की प्रॉब्लम्स है, उनको मैनेज किया जा सकता है। ये लेस कॉस्टली होता है, उसमें लगभग 80,000 से 1,00,000 तक का खर्चा आता है। और 3D मैपिंग इससे कंपेरेटिवली थोड़ा कॉस्टलियर होता है, इसमें हार्ट का एक 3D व्यू, 3 डायमेंशनल पिक्चर बन जाता है और अलग अलग सेपरेट जगह पर कहां कहां से धबकारे का प्रॉब्लम हो रहा है उसको आप लोकेट करके उस एरिया को रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से जला सकते हैं। ये ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड अरिथमियाज में करते हैं, उसका कॉस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, लगभग 3-4 लाख जैसा इसमें खर्चा आता है। इसके अलावा एक मशीन आती है जिसको AICD बोलते हैं, ऑटोमेटिक इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टेब्रल डिफिब्रिलेटर। जिन लोग को डेंजरस फॉर्म ऑफ पैल्पिटेशंस यानी डेंजरस अरिथमियाज है, उसमें अगर वो पेशेंट को जान का खतरा है और वो पेशेंट ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएगा, उतना टाइम उसको नहीं मिल पाएगा, तो ये मशीन डिवाइस हमें पेसमेकर जैसा डिवाइस होता है, जिसको छोटा माचिस के डिब्बी के साइज का डिवाइस होता है, जिसको शोल्डर पे कट के द्वारा हम लगा देते हैं और एक इलेक्ट्रोड उसका हार्ट में फिट कर देते हैं। वो करंट की इस कैसा चल रहा है उसको पैटर्न को सेंस करता रहता है, और जब भी किसी को करंट का ज्यादा प्रॉब्लम होता है, इसको अगर मशीन डिटेक्ट करती है तो ऑटोमेटिकली वो करंट के प्रॉब्लम को टर्मिनेट कर सकता है और पेशेंट को वो प्रॉब्लम दोबारा से ना आए, इसके लिए उस मशीन को ज्यादातर यूज किया जाता है। ज्यादातर ये बैटरी लगभग इसकी 10 साल जैसे चलती है, और वो पीरियड में अरिथमिया या पैल्पिटेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ये कंट्रोल कर सकता है। ये सिंपल पैल्पिटेशंस के लिए नहीं या यूज करते, या साइनस टैकीकार्डिया के लिए या मिस बीट्स जैसी चीजों के लिए इसको नहीं यूज करते, इसको सिर्फ डेंजरस अरिथमियाज यानी वेंट्रिकुलर अरिथमियाज या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जैसे अरिथमियाज जिसमें जान का तुरंत खतरा हो जाए और पेशेंट हॉस्पिटल तक ना पहुंच पाए, वहीं पे इनको यूज किया जाता है, क्योंकि ये डिवाइस बनाया ही उस तरह के अरिथमियाज के लिए गया है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। इसके लिए रूटीन केसेस में, हर केस में इनको हार्ट फेल वाले केस में यूज नहीं कर सकते, पर अदरवाइज जिन लोगों का व्यक्ति का हार्ट बहुत खराब है, स्ट्रक्चरली डैमेज है, वैसे लोगों में इन डिवाइस को ज्यादा यूज किया जाता है। अब ये लास्ट में बात करेंगे कि टॉपिक कॉमन व्यक्ति के लिए जानना क्यों जरूरी है। ज्यादातर ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादातर लोगों को होता है, और इसके को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरह से इसको मैनेज किया जाए और कैसे इसका इंसिडेंस को कम किया जाए, वो ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। इसलिए ज्यादातर लोग इसमें डॉक्टर्स के पास उन्हें बार बार जाना पड़ता है और अननेसेसरी उनकी लाइफ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाती है। अगर ये बेसिक टिप्स जो हमने आपको डिस्कस किया, अगर आप उनको फॉलो करते हैं, तो एटलीस्ट 70-80% केसेस में आप सिंपल फॉर्म ऑफ पैल्पिटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता कि जो डेंजरस अरिथमियाज है या शॉर्ट सर्किटिंग वाला जो प्रॉब्लम्स है वो इससे कंट्रोल हो जाएगा, पर ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो ज्यादातर अरिथमियाज को आप एटलीस्ट उनका इंसिडेंस और चांसेस को कम तो कर सकते हैं, और आपकी लाइफस्टाइल को बिना दबा के भी आप कुछ हद तक कंफर्टेबल कर सकते हैं। थैंक यू।